औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर स्थित बंद पड़े SRS कंपनी परिसर से 29 जून को जब्त विदेशी बियर मामले के आरोपितों तक मुफस्सिल पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। बियर बरामदगी मामले में 10 लोगों पर सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिनमें पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता शिवम आजाद श्रीवास्तव, फैक्ट्री मालिक, तीनों वाहनों के मालिक व चालक समेत अन्य लोग शामिल थे। प्राथमिकी दर्ज होने के एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी करने में सफल नहीं हो सकी है। SRS फैक्ट्री के अंदर से बेल्जियम निर्मित अवैध विदेशी बियर लदे 3 वाहनों को पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 29 जून की दोपहर को जब्त किया था। मौके से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार लोगों में बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के सोनकी निवासी, सह रेलवे गेट इसरी बाजार निवासी विनोद कुमार पांडे, नगर थाना अंतर्गत बड़ा चौक निवासी संतोष यादव, ताराटांड थाना क्षेत्र के भंडारीडीह निवासी मुकेश सिन्हा एवं गोविंद रविदास शामिल थे। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ के क्रम में पुलिस को बताया था कि बरामद विदेशी बियर शिवम आजाद का है। उसकी देखरेख में अवैध शराब का परिवहन एवं व्यापार पिछले 1 साल से किया जा रहा था। बरामद बियर दिल्ली से गिरिडीह में खपाने के लिए लाया गया था। जब्त वाहनों से 67 पेटी बेल्जियम निर्मित अवैध केन बियर बरामद किया गया था। जब्त बियर लदे वाहनों में एक ट्रक, एक पिकअप वैन एवं एक मालवाहक वाहन शामिल था। SRS फैक्ट्री के अंदर ट्रक से अवैध बियर को खाली कर दूसरे वाहनों में लोड किया जा रहा था। इसके गुप्त सूचना थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर को मिली। इसके बाद थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सदल बल मौके पर पहुंचकर अवैध विदेशी बियर लदे वाहनों को जब्त किया था। साथ ही मौके पर से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था।